हेलो फ्रेंड्स, आज की डेट है 1 दिसंबर 2016, 1 दिसंबर 2016। और आज के द हिंदू में एडिटोरियल का हेडिंग आया है, इंडियाज मिसिंग गर्ल चिल्ड्रन, अर्थात भारत की गुम होती हुई बालिकाएं। द हिंदू लिखता है, तेजी से विकसित होते हुए भारत की क्रूर विडंबना है कि जन्म लेने वाले कुल बच्चों में से लड़कियों का अनुपात घटता ही जा रहा है। इसके कारणों की पड़ताल करें तो ऐसा होने के कारण अत्यधिक जटिल हैं। इन जटिल कारणों में से एक है स्वयं माता-पिता द्वारा बालिकाओं के जन्म को वरीयता न देना। भारत के महापंजीयक रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने नागरिक पंजीकरण तंत्र सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS के नए आंकड़ों में जानकारी दी है कि 2013 में बालिकाओं के जन्म लेने का अनुपात 898 बालिकाएं प्रति 1000 बालक था। 2014 में बालिकाओं के जन्म लेने का यह अनुपात 898 से घटकर 887 रह गया। ये आंकड़े जनगणना सेंसस के 2001 और 2011 के आंकड़ों से अनुसमर्थित हैं, उसके अनुरूप हैं। ज्यादा चिंताजनक तथ्य ये है कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के जन्म के जो आंकड़े हैं, उनके आकलन में भारत के कुछ विशेष जिले व कुछ विशेष पंचायतें ऐसी हैं जहां राष्ट्रीय अनुपात की तुलना में अत्यधिक तीव्र गिरावट दर्ज की जा रही है। इस अभिशाप और विपत्ति की स्थिति के कारण अनेक बार उच्चतम न्यायालय तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC ने भी स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकारों से कई बार स्पष्टीकरण मांगे हैं। संसद को जो जानकारियां दी गई हैं, उनके विषय में द हिंदू लिखता है कि बालिकाओं के जीवित रहने या सर्वाइव करने की कम संभावनाएं होती हैं। ऐसा सामाजिक सांस्कृतिक मनोस्थिति सोशल कल्चरल माइंडसेट के कारण होता है। बालिकाओं को बोझ के रूप में देखने तथा बालकों के जन्म को वरीयता देने से परिवारों का आकार सिकुड़ना प्रारंभ हो गया है। केंद्र सरकार ने इस संकट के समाधान के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया है, जिसके मुख्य तत्व निम्न प्रकार हैं। पहला तत्व है चुने गए निर्धारित लिंग की जानकारी दबे छुपे प्रकार से कराकर गर्भ समापन या गर्भपात को रोकना। दूसरा तत्व है बालिकाओं को शिक्षा के समान अवसर अधिक तीव्रता से प्रदान करना। अगला तत्व है बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना। जनवरी 2017 में ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम 2 वर्ष पूर्ण करके तीसरे वर्ष में प्रवेश कर जाएगा। अब इस अभियान के प्रभावकारिता इफेक्टिवनेस का आकलन अवश्य होना चाहिए और इस आकलन को करते समय लिंग अनुपात की कमी वाले जिलों में विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसे लागू करते समय भी कम लिंगानुपात वाले जिलों पर कम सेक्स रेशो वाले जिलों पर भी विशेष ध्यान दिया गया था। यदि CRS 2014 के नवीनतम आंकड़ों में तमिलनाडु जैसे मजबूत सामाजिक विकास आधार वाले राज्य की स्थिति की बात की जाए, तो तमिलनाडु जैसे राज्य में भी जहां पर सामाजिक विकास का आधार काफी मजबूत है, वहां पर भी लिंग अनुपात घटने की तरफ घटोतरी की ओर 834 दर्शाया गया है, जिसमें कमी दर्ज की जा रही है। तमिलनाडु में 1992 में क्रेडल बेबी योजना आरंभ की गई थी। इसका उद्देश्य था बालिकाओं को जीवित रहने अर्थात सर्वाइव करने की संभावनाओं को बढ़ाना और सर्वाइवल चांसेस को बढ़ाने के लिए माताओं को गुमनाम तरीके से अनोनिमसली बालिकाओं को किसी दूसरी दंपत्ति को गोद देने का विकल्प उपलब्ध कराना। 24 वर्षों तक तमिलनाडु में क्रेडल बेबी स्कीम लागू रहने के बावजूद एक ही केंद्र पर पिछले 6 वर्षों के दौरान 260 बालिकाओं को त्याग देने का आंकड़ा सामने आया है। स्पष्ट है कि कानून
के सख्त परिपालन, लॉ एनफोर्समेंट तथा समाज की मानसिकता में व्यवहारगत परिवर्तन बिहेवियरल चेंजेज आवश्यक है, नहीं तो राष्ट्रीय नीतियों पर असफल हो जाने का खतरा विद्यमान रहता है। कुछ सुझाव इस संबंध में द हिंदू ने दिए हैं, वो सुझाव इस प्रकार हैं। पहला, बालिकाओं का जन्म पंजीकरण कराते समय, बर्थ रजिस्ट्रेशन कराते समय नकद प्रोत्साहन राशि कैश इंसेंटिव दिए जाने का प्रावधान किया जा सकता है। दूसरा है, बालिकाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में निरंतरता एवं सुधार लाना। अगला है, बालिकाओं की आरंभिक शिक्षा की बेहतर सुविधाओं को वास्तविक रूप में प्रोत्साहन देना। चौथा है, बालिकाओं के प्रति सामाजिक सुरक्षा की भावना को अधिक दृढ़ बनाना। ये सभी प्रयास आधे अधूरे मन से नहीं, पूरे मनोयोग से होने चाहिए। दोस्तों, ये डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपके साथ वोकैबुलरी डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहला वर्ड है टेम्प्टेड, TEMPTED, इसका अर्थ है प्रलोभन पूर्वक आकर्षित होना। अगला वर्ड है क्रिब, CRIB, इस वर्ड का अर्थ है बंद करना, चोरी करना या संदूक। अगला वर्ड है कोएर्शन, COERCION, कोएर्शन, इसका अर्थ है दादागिरी। अगला वर्ड है बेलीड, BELIED, बेलीड का अर्थ है झूठा सिद्ध करना। अगला वर्ड है क्रेडल, CRADLE, क्रेडल का अर्थ है झूला या बच्चों को झुलाने का पालना। दोस्तों, अगला वर्ड है स्कॉर्ज, SCOURGE, स्कॉर्ज का अर्थ है अभिशाप, दंड, विपत्ति या कोड़ों से दंडित करना। इस प्रकार दोस्तों, हमारा ये डिस्कशन यहाँ पे विद वोकैबुलरी द हिंदू के एडिटोरियल का ये डिस्कशन कंप्लीट हो गया है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसके लिंक को अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आपको कोई किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना है। इसका ये लाभ होगा सब्सक्राइब करने का कि आपको नित्य नई एडिटोरियल की वीडियोज जैसे ही मैं अपलोड करता हूँ तुरंत आपको उसका लिंक ऑटोमेटिकली, वीडियो का लिंक सब्सक्राइब करने पर अपलोड होते ही आपके ईमेल आईडी के इनबॉक्स में स्वतः ही ऑटोमेटिकली सेंड हो जाता है। इससे आप यदि प्रतिदिन यूट्यूब चैनल नहीं भी देख पाते तो किसी विशेष दिन पर अपनी ईमेल आईडी का इनबॉक्स खोलकर उसमें ऑटोमेटिकली सेंड किए गए प्रत्येक एडिटोरियल के लिंक पर क्लिक करके आप सभी एडिटोरियल्स की वीडियो देख सकते हैं। इससे आपका कोई एडिटोरियल मिस नहीं होगा। तो दोस्तों, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि बिना किसी प्रकार के शुल्क के प्रत्येक एडिटोरियल के लिंक की वीडियो के लिंक आपके ईमेल आईडी के इनबॉक्स में प्राप्त होता रहे। इसलिए दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट पूछिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।